नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू क्लासेस में। और एक बहुत बढ़िया बात ऊपर लिखी हुई है कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब कि जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जितना आप हार्डवर्क करेंगे ना, जितनी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं ना कहीं आगे चल के गाइस जो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, बहुत शानदार जीत होगी। तो अभी वक्त है मेहनत करने का मेरे साथ, और आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस मेहनत को मैं और आप मिलकर, और देखते हैं जल्दी ही क्या शानदार जीत मिलने वाली है हम सभी को। या यूं कहें, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो जो शानदार जीत होगी कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी देगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच बैंक हैज अप्रूव्ड 1.5 बिलियन, एग्जैक्टली अमाउंट याद रखना है, 1.5 बिलियन इन लोन्स टू इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट इन 2018। किस बैंक ने भारत में 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परियोजनाओं के लिए 1.5 अरब डॉलर के कर्ज को, या यूं कहें ऋण को मंजूरी दी है? AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या गाइज विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की बात करें तो यहां पर जो आंसर आ रहा है, गुड आफ्टरनून टू ऑल, AIIB यहां पर आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द AIIB? टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, जरा इसको चलाया जाए। AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर Washington DC USA है। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, उसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी Washington DC USA है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, जिसके हेड है ताकेहिको नकाओ। अगर उसकी बात हम कर लेते हैं तो उसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो हमें याद रखना है कि AIIB का हेडक्वार्टर कहां है। सो आंसर की बात करते हैं, यहां पर जो आंसर आ रहा है गाइज, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, अभी तक स्टिल बीजिंग चाइना। यहां पर अंकुश का आंसर आ चुका है, बीजिंग चाइना इज द हेडक्वार्टर ऑफ द AIIB। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर, देखिए अभी यही क्वेश्चन आ गया जो हमने पूछा था, वही क्वेश्चन आ गया कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, बीजिंग, लंदन या वियना? सो गाइस आंसर की बात यहां पर करेंगे, आंसर की बात करें सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बीजिंग चाइना इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट का नाम है जिन लिक्विन। प्लीज फोकस, जिन लिक्विन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, कनकल्ता मोहंती हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट? कनकल्ता मोहंती का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? एक संगीतकार, एक डॉक्टर, एक एथलीट और एक लेखक। अगर बात करें गाइस ऑबिचरी की, तो अभी अगर हम बात करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य बहुत इस टाइम क्रिटिकल बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम तो चाहेंगे कि मैं और मेरे साथ सभी आप जितने सेशन को देख रहे हैं उनकी लंबी उम्र की दुआ की कामना करें कि जिससे वो हमारे साथ और समय तक बिल्कुल बने रहें। तो आते हैं यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कनकल्ता मोहंती का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहां पर आंसर म्यूजिशियन। यहां पर अगर मैं बात करूं, टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, एक बार जरा स्क्रीन को जूम कर दिया जाए तो और बेहतर रहेगा, बट ऑप्शन हमारा जो शो कर रहा है वो ऑथर यहां पर शो कर रहा है, तो एक बार जरा मैं देख और लेता हूं एग्जैक्टली यहां पर आंसर क्या है। सो गाइज आंसर की बात यहां पर अगर हम करते हैं तो कनकल्ता नोटेड उड़िया ऑथर। अगर हम बात करें गाइज ऑप्शन नंबर यहां पर 4th ही राइट आंसर बनता है, ही वॉज दी उड़िया ऑथर, वह उड़िया ऑथर थे। इतना आपको याद रखते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए याद रखेगा प्लीज ओबिचरी का पोर्शन कि वह क्या थे, कनकल्ता मोहंती वह एक उड़िया ऑथर थे। नेक्स्ट, अरमिन सरकिसान हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अरमिन सरकिसान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? अंगोला, अल्बानिया, अर्मेनिया, अल्जीरिया। अंगोला, अल्बानिया, अर्मेनिया या अल्जीरिया? अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं जरा इन देशों की राजधानी और मुद्राओं की। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा, एंड करेंसी की बात करते हैं, करेंसी इज क्वांजा। अल्बेनिया की कैपिटल की बात करें तिराना, एंड करेंसी इज अ लेक। अर्मेनिया की कैपिटल है यारेवन, एंड करेंसी इज अ द्रम। एंड अल्जीरिया की कैपिटल, इसमें अल्जीरिया में लगा दीजिए, अल्जीरिस, एंड करेंसी इज दिनार। सो जो ऑप्शन बचता है वो बचता है ऑप्शन नंबर 3, इट इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें यहां पर एग्जैक्ट आंसर की तो वो अर्मेनिया है, बचने वाली तो बात नहीं क्योंकि राजधानी मुद्रा यहां पूछी नहीं गई, बाकी इन देशों की राजधानी और मुद्रा पैरेलल लर्न करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, सेंटर मतलब केंद्र हैज अप्रूव्ड वर्थ प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज व्हाट अंडर द निर्भया फंड फॉर 8 मेजर सिटीज टू मेक देम सेफर फॉर वुमेन? केंद्र ने आठ प्रमुख शहरों के लिए निर्भया निधि के तहत कितने रुपए से अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी दी है ताकि इन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके? 2100 करोड़, 2200 करोड़, 3000 करोड़ या 2900 करोड़? इंपॉर्टेंट मार्क करेगा यहां पर, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस क्वेश्चन को गाइज,
कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना गवर्नमेंट ने यहां पर दिया है। सो आंसर का मैं वेट करूं, यहां पर सौरभ का आंसर आया है, सौरभ शर्मा इज सेइंग 2900 करोड़। सो गाइज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में? सिमलीपाल भीतर कनिका, देखिए एक माइंड में स्ट्राइक हो रहा है ना, करंट अफेयर्स लाइव अगर आप देखते होंगे तो आपको एक नेशनल पार्क से चार याद हो रहे होंगे। सिमलीपाल हो गया, भीतर कनिका हो गया, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क हो गया, ये कहां पर है? तो यहां पर मैं आंसर की बात करूं, उड़ीसा। ओके एग्जैक्टली गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा के गवर्नर का नाम याद रखिएगा, अभी न्यूली अपॉइंटेड गणेशी लाल इज अ गवर्नर ऑफ द उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नोटेड उड़िया भजन सिंगर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? प्रसिद्ध उड़िया भजन गायक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? अरविंद मुदली, स्मृति मिश्रा, सिकंदर आलम या मनोज दास? इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटेड उड़िया भजन सिंगर का नाम क्या जिसका हाल ही में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए दूसरी तरीके से आ सकता है, पर्सन का नाम दे दिया जाए एक्स वाई जेड, अब वो कौन से भजन सिंगर थे? मल्लम, मलयालम थे, कन्नड़ थे, उड़िया थे, तो आपको ऐसा भी याद रखते हुए चलना है। सो यहां पर आ रहा मुदली। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अरविंदा मुदली इज द नेम ऑफ द नोटेड उड़िया भजन सिंगर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन अ गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन बिश्केक किर्गिस्तान? कौन किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? देखिए जहां भी वर्ड पहला आ गया ना, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट बन गया, बस रट लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में। अगर पहला वर्ड आ जाता है कि पहला ये बना, पहला वो बना, पहला ये हुआ, पहला वो हुआ, तो इसको छाप लीजिए। बट आंसर की यहां पर मैं बात करता हूं, ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, फर्स्ट नवजोत कौर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन अ गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दैट वॉज हेल्ड इन बिश्केक कजाकिस्तान। सो गाइज यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नवजोत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जरा समझिएगा, नवजोत कौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शी वॉज द रेसलर, she is a wrestler, वह क्या है? वह कह सकते हैं guys, एक wrestler है, एक पहलवान है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं next and most important question, what is the capital of the Kyrgyzstan? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? अगर मैं बात करूं कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, करेंसी इज तेंगे। एंड अगर हम बात करें ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुसुनबे, ताजिकिस्तान जो है उसकी कैपिटल है दुसुनबे, करेंसी इज सोमोनी। एंड तुर्कमेनिस्तान की बात करते, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल एशगबत एंड करेंसी इज मनत। एंड जो बचता है किर्गिस्तान, उसकी कैपिटल बचती है ऑप्शन नंबर 4 किर्गिस्तान, बिश्केक, सोम। सोच रहे होंगे सर आपको इतने टिपिकल लर्न कैसे हैं, तो भाई जो अपना ट्रिपल सी रूल है ना, वो इस टाइम पर इंडिया में फेमस है, मैं चाहता हूं बिल्कुल हर जगह फेमस कर दिया जाए कि अगर दूसरे देश के लोग भी याद करें तो वो कहेंगे भाई इससे बेहतर रूल कोई नहीं है, कंट्री कैपिटल करेंसी तीनों को साथ में लर्न करिए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर बेहतर आपको भी लगता है तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर यही एक तरीका जिससे हमारे समझ में आता है, और लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा विद स्माइली। नेक्स्ट, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या यह कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उड़ीसा में? हरी अब गाइस प्लीज जरा मुझे बताइए कि जो भद्रा यहां पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह किस राज्य में लोकेटेड है? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यहां पर स्टिल मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहां पर, ओके यस सर बिल्कुल, यह फेमस हो गया है भाई, बिल्कुल मैं चाहता हूं याद भी हो जाए आपको, 100 प्लस कैपिटल करेंसी तो रट्टी हुई होनी चाहिए। ओके गाइस फाइनली मैं देखूं तो यहां पर जो आंसर आ रहा है वो स्टिल मैं वेट कर रहा हूं, कर्नाटका, राजेश राज सिंह कर्नाटका। सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हीराकुंड डैम लोकेटेड? अभी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, रिसेंट का एसबीआई में आया। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? महानदी, नर्मदा, ब्यास नदी या ताप्ती नदी? नर्मदा, महानदी या व्यास? तो यार ये तो मुझे लगता है इससे बच्चे वाला चिरकुट क्वेश्चन कोई नहीं होगा, हीरों की महानदी से रटा हुआ है, हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पे है। सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विनेश पोगात इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एग्जाम का क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम हो रहा है,
पर्सन का नाम पूछा जा रहा है और वो किस स्पोर्ट से, ये पूछा जा रहा है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, कबड्डी है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है या हॉकी है। सो मैं यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जो आंसर आ रहा है मेरे भाई बंधुओं का, वो यहां पर आंसर आ रहा है ओके। यहां पर रेसलिंग कह रहे हैं, कुछ कुश्ती भी कह रहे हैं, भाई रेसलिंग कुश्ती तो बात एक ही है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू द रेसलिंग, यह कुश्ती से संबंधित है। प्लीज 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड 12 MOU, समझे जरा कितने MOU, 12 MOU, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग कल्चर, इंक्लूडिंग डिफेंस, इंक्लूडिंग टूरिज्म। तो बात करते हैं इन क्षेत्र में भारत ने 12 समझौते किए। अब दूसरा तरीका एक इसको याद रखने का, मतलब भारत ने किस देश के साथ 12 एग्रीमेंट साइन किए। एग्जाम का क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ एग्रीमेंट पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज प्लीज फोकस। इंडिया ने जॉर्डन के साथ 12 एग्रीमेंट साइन किए, सो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अब इसको याद रखिए, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, अम्मान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, एंड करेंसी की बात करते हैं, करेंसी इज दिनार, जॉर्डन अम्मान दिनार। बहरीन की कैपिटल है मनामा एंड करेंसी इज दिनार। कुवैत की बात करें, कैपिटल की बात करें, कुवैत सिटी इज कैपिटल, करेंसी इज दिनार। इराक की कैपिटल भाई बगदाद, बगदाद इज अ कैपिटल, एंड करेंसी की बात कर ले तो करेंसी इज दिनार। तो कॉमन इनमें जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं सभी की मुद्रा है भाई दिनार है, बट कैपिटल की बात करें जॉर्डन, मेरी अम्मा जो है वो जॉर्डन की, ऐसे याद रखिएगा, जॉर्डन अम्मान दिनार। बहरीन मामा जो मेरे हैं वो बहरे हैं भैया, तो बहरीन मनामा दिनार। कुवैत सिंपल है, कुवैत सिटी, करेंसी दिनार, एंड इराक की कैपिटल बगदाद, करेंसी इज दिनार। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विकिपीडिया टू प्रमोट विच लैंग्वेज, महाराष्ट्र सरकार ने किस भाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए विकिपीडिया के साथ एक करार किया है, पंजाबी, उर्दू, हिंदी या मराठी। यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपको अगर गैस भी करना हो, तो गैस हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र मतलब मराठी की बात होती है वहां पर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अब ये मत समझिएगा कि तुक्का लगा दें, मे भी हो सकता है हिंदी भी हो भाई, हिंदी को भी फेमस करना चाहते हैं, बट पंजाबी को भी, उर्दू को भी, बट प्लीज इसको क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आपको टिक भी लगाना हो तो जरा थोड़ा सेंस लगाइएगा कि मे बी आंसर क्या हो सकता है, मराठी यहां पर होना चाहिए। एग्जैक्टली आंसर भी वही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विकिपीडिया टू प्रमोट दी मराठी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शम्मी आंटी जिनको हम जानते थे उनका देहांत हो गया, वह क्या थी। शम्मी का हाल ही में निधन हो गया, या पूरा नाम शम्मी आंटी का, इनका हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थी। एक डॉक्टर थी, शी वॉज दी एथलीट, शी वॉज दी एक्ट्रेस, या शी वॉज दी स्विमर। सो मैं यहां पर बात करूं, जो आंसर आ रहा है, जो मेरे भाई बंधुओं का आंसर आ रहा है, आमची मराठी, आमची मुंबई, ओके क्या बात है मेरे भाई बंधुओं। सो यहां पर बात करें, जो आंसर आ रहा है ओके। सो गाइस आंसर की बात करते हैं, शी वॉज दी एक्ट्रेस, वह एक एक्ट्रेस थी, वह एक अभिनेत्री थी। प्लीज प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। नेक्स्ट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत न्यूज में बने रहते हैं, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। सो यहां पर आंसर की बात करते, सिंपल है, जैसे कि ऑप्शन अवेलेबल है उसमें आप इजीली टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार, श्री 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 100,000, विप्लव कुमार देव इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, गुमती वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। जरा समझिए, जरा कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गुमती वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सो मैं यहां पर आंसर की बात करता हूं, आंसर की बात करें, सो ऑप्शन नंबर यहां पर 2 इज द राइट आंसर, इट इज लोकेटेड इन त्रिपुरा, गुमती वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कॉनराड संगमा इज अ व्हाट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, या किस नंबर के मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, 10वें, 17वें, 14वें या 12वें, 10th, 17th, 12th या 14th। जरा समझिए गाइस, मेरे को आंसर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। सो आंसर का यहां पर वेट करें, जो आंसर आ रहा है, सिर्फ 2 मिनट, आपका 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड लूंगा। ओके, यहां पर विपिन यादव कह रहे हैं 14th क्वेश्चन मार्क, मतलब नॉट श्योर। ओके ओके, 14th बहुत ज्यादा आ रहा है, 17th, ओके 12th, ओके अनिल कुमार सिंह 12th, ओके। सो गाइस फाइनली मैं आंसर पर आता हूं, बड़ा यहां पर विचलित आंसर आ रहे थे, बड़े वेरिएबल बना हुआ था, बट ही इज अ 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ द मेघालय। प्लीज फोकस करिएगा, जो कॉनराड संगमा है वह 12वें मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने पेनल्टी इंपोज की है, एक तो एक्सिस बैंक पे जो एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है उन्हें फुलफिल ना करने की वजह से, दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक पे पेनल्टी इंपोज करी है भाई जो केवाईसी कंप्लायंस है उन्हें फुलफिल ना करने की वजह से। अमाउंट क्या है इसका, मतलब एक्सिस बैंक पे कितना पेनल्टी इंपोज किया गया है और इंडियन ओवरसीज बैंक पे कितना पेनल्टी इंपोज किया गया, ये मेरा क्वेश्चन है।
सो मैं आंसर की बात यहां पर करूंगा, जो आंसर बनता है वो 3 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक पे एंड 2 करोड़ रुपए की बात करेंगे वो इंडियन ओवरसीज बैंक पे इंपोज किया गया। प्लीज 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 रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च। भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु, किस शहर में कह सकते हैं भारत की पहली टैक्सी सेवा शुरू की गई है? मैं चाहता हूं इसका जल्दी से आप आंसर दें कि गाइस किस शहर में शुरू की गई। स्टिल मैं आंसर का वेट कर रहा हूं यहां पर। ओके 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 ओके, यहां पर आंसर की बात करते हैं तो बेंगलुरु यहां पर आंसर आ रहा है। बेंगलुरु वॉज द सिटी इन बेंगलुरु एक शहर है जिसमें कह सकते हैं इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च, जहां पर कह सकते हैं भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश है एक बार जरा स्क्रीन को विजिबल किया जाए, जो कमेंट बॉक्स उसे रिफ्रेश किया जाए। सो गाइज मैं यहां पर बात करूं, जो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है इट इज लोकेटेड इन दी कर्नाटका, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहां पर है? इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय यहां पर कहां पर है? सो गाइस मैं आंसर का यहां पर वेट कर रहा हूं। इंडियन ओवरसीज बैंक के हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है, देखिए दो चीज है, एक इंडियन बैंक और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक, जरा समझिएगा। इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों ही बैंक की बात करें तो दोनों की स्टार्टिंग इंडियन से होती है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो हमें याद रखनी है, जिन बैंक की स्टार्टिंग इंडियन से होती है उनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। सर ये तो बहुत चिरकुट वाली है, हमें तो पहले से बचपन से याद है कि इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में है। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक सरकार, विप्लव कुमार देव या कॉनराड संगमा? कॉनराड संगमा भैया कहां पर हो गए? अभी हमने देख लिया था कॉनराड संगमा मेघालय के हो गए, बट क्वेश्चन यहां पर यह है कि भाई नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं और जो हम स्किप कर कर आ रहे हैं गाइस, क्योंकि समटाइम हम इनको छोड़ देते हैं, बट बैंक के लिए तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सो यहां पर जो आंसर आ रहा है, ओके 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 ओके, बड़ा यार स्लो चल रहे हैं आपके आज, आंसर क्या हो गया है? बॉर्नविटा वगैरह नहीं पी रहे भाई? कॉम्प्लेन पियो। ओके नेफ्यू रियो आंसर आ गया, थोड़ा देर से आया बट आ गया। ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर, नेफ्यू रियो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? नागालैंड की राजधानी क्या है? गंगटोक, अगरतला, ईटानगर, कोहिमा? सो मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर डिक्लेयर करूंगा, नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। बहुत सिंपल और चिरकुट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए, नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बिकम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ये आना है। इंडिया हैज बिकम द व्हाट मेंबर ऑफ द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का कौन से नंबर का सदस्य बना है? 49th, 79th, 69th, या 49th, 89th, 79th, 69th या 49th, किस नंबर का भारत सदस्य बना है? सो मैं आंसर का यहां पर वेट करूं, एक क्लास बैंकिंग अवेयरनेस की। ओके ओके गाइस, बिल्कुल सब चीजें यहां पर लाइनअप है, आप परेशान मत हुई। ओके रंजीत सिंह, आई एम न्यू सर। ओके दोस्त, स्वागत है आप सभी का इस अनोखी क्लास में जिसमें हम आपको दिखाते भी हैं और याद भी कराते हैं। तो गाइज यहां पर अगर हम बात करें, जो आंसर आ रहा है 49th इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इंडिया हैज बिकम द 69th मेंबर ऑफ द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, लंदन, पेरिस या जिनेवा? ट्रिकी क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आ भी रहे हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर पूछा गया, एआईआईबी का हेडक्वार्टर पूछा गया। अब मैं कह सकता हूं कि बैक टू बैक ये पूछा जा रहा है तो भाई ईबीआरडी क्यों पीछे रहेगा? कहेगा भाई मुझे भी तो पूछो। तो ईबीआरडी का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन लंदन यूके, लंदन यूके में ईबीआरडी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है। प्लीज प्लीज फोकस करिएगा, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। नेक्स्ट, ओम प्रकाश मिथरवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ओम प्रकाश मिथरवाल किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, टेनिस, शूटिंग या हॉकी? जरा समझिएगा, जो ओम प्रकाश मिथरवाल है वह किस खेल से संबंधित हैं? क्या वह क्रिकेट से हैं? क्या वो टेनिस से हैं? क्या वो शूटिंग से हैं? क्या वो हॉकी से? अगर भाई सेशन पसंद आ रहा विद स्माइली लिख दो, हाँ सर छप रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। और एक बार जरा लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर 1700 मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, इतने लाइक तो बनने चाहिए। आंसर की बात करता हूं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ओम प्रकाश मिथरवाल इज रिलेटेड टू द शूटिंग, वह शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड कोवन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? एड कोवन ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से है?
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है, एट कोविन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, हु हैज अनाउंस रिटायरमेंट एंड सो आंसर की बात करते हैं गाइस, आंसर इज क्रिकेट, ये क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें वह किस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, किस टीम से हैं, तो यहां पर हमें याद रखना है ही इज रिलेटेड या ही इज फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्लीज 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 फोकस करते हुए चलेगा। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों न्यूज में रख लिया, ये किस काम का है, इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया है, इसका हेडक्वार्टर चेंज होकर कहीं और आ गया है और हरियाणा में कहीं आ गया है, और हरियाणा का अगर मैं आंसर की बात करता हूं, हरियाणा का जो जगह है उसका नाम है बल्लभगढ़, ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो गाइस आंसर की बात करें ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, बल्लभगढ़ इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, प्लीज रट लीजिएगा, एक नंबर में आने के इसके बहुत बड़े चांसेस हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च सुखद यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन एंड 1033 टोल फ्री इमरजेंसी नंबर फॉर हाईवे यूजर्स। एग्जाम में ये भी आ सकता है हाईवे यूजर्स के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, ये चिरकुट क्वेश्चन है कुछ, तो 1033 आपको याद रखना है। किसने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सुखद यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और 1033 टोल फ्री इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया है, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, कोयल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर, स्मृति ईरानी की बात करें क्या स्मृति ईरानी जी ने किया, टेक्सटाइल मिनिस्टर है, क्या नितिन गडकरी जी ने किया है या नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सो आंसर की बात यहां पर करते हैं, सो भैया शिपिंग एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं जिन्होंने लॉन्च की है सुखद यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और 1033 टोल फ्री इमरजेंसी नंबर। आई होप सो गाइस ये आपके क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, पीयूष गोयल मैंने अभी आपको बता दिया, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर है, कोयला मंत्री है, भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री का अतिरिक्त कार्यप्रभार है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त कार्यप्रभार है, स्मृति ईरानी जी की बात करते हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी हुआ करती थी बट वो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के पास चला गया है, ज्वाल ओरम की बात करें ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, तो बच्चा कौन, धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र प्रधान इज अ मिनिस्टर ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्लस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर भी है, भाई के पास दो मंत्रालय है, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है प्लस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री भी इनके पास है, तो प्लीज प्लीज फोकस करते चलेगा दोनों मिनिस्ट्रीज के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इराक, इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद, रियाद, तेहरान या काराकस। So, अगर मैं बात करता हूं वेनेजुएला की कैपिटल इज काराकस, वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस, करेंसी इज वॉलेवर, ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी इज रियाल, एंड सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद एंड करेंसी इज रियाल, RIYAL इसमें आता है। सो जो बचती है इराक की कैपिटल वो बचेगी बगदाद, इराक की कैपिटल है बगदाद, करेंसी है भाई दिनार, प्लीज रट लीजिएगा इन चारों ही ऑप्शन को, इराक बगदाद दिनार, सऊदी अरब रियाद रियाल, UAE की बात करें अबू धाबी दिरहम, जो कंफ्यूजन बना रहता है, ईरान की तेहरान रियाल एंड वेनेजुएला काराकस वॉलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched Amagaon Amavikas program? किस राज्य ने Amagaon Amavikas, हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इंपॉर्टेंट, स्टेट की जो भी स्कीम है, जितने भी प्रोग्राम है वो एग्जाम में आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, पर्टिकुलर जो स्कीम है, वह किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई। सो मैं आंसर की बात करूं, जो आंसर आ रहा है उड़ीसा, सो गाइस आंसर की बात करते हैं, उड़ीसा इज द राइट आंसर, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी अमागांव अमा विकास प्रोग्राम, हमारा गांव हमारा विकास प्रोग्राम उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत सिंह मारवी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज वॉट, सुरता, नॉट सब भैया सूरत, इट्स अ सुरता, सुरता सिंह मरावी, इट्स मरावी, मरावी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे या क्या थी, सो भाई साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, एथलीट या सिंगर, क्या थे, क्या थे, वह वैज्ञानिक थे, राजनीतिक थे, एथलीट थे या गायक थे। हरियाप गाइस मैं वेट कर रहा हूं, क्या वह वैज्ञानिक थे, क्या वह राजनीतिक थे, क्या वह एथलीट थे, क्या वह गायक थे। सो मैं आंसर की बात यहां पर करता हूं, जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है ही वॉज दी भाई आगे आने दो, ओके 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 ओके, स्टिल वेटिंग फॉर आंसर, ओके ही वॉज दी सिंगर, ओके आंसर आ रहा है यहां पर ही वॉज दी सिंगर, नो आइडिया, पॉलिटिशियन, कांग्रेस एमपी, या एग्जैक्टली, सो आंसर की बात करते हैं यहां पर, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, सुरता सिंह मरावी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक राजनीतिज्ञ थे, वह एक पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, 7 मार्च, 6 मार्च, 9 मार्च या 8 मार्च, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, 7 मार्च, 6 मार्च, 9 मार्च या 8 मार्च, किस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं स्टिल वेट कर रहा हूं आपके आंसर का गाइस, आंसर की बात यहां पर करें, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब ऑब्जर्व होता है, 7, 6, 8, 9, 7 मार्च को, 6 मार्च को, 9 मार्च को या 8 मार्च को, ओके 8th of March यहां पर आंसर आ रहा है, 8th of March बिल्कुल मोहर लगाई जाएगी, जो 8 मार्च है उसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8th of March।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से मैं लेकर आया हूं, ब्राजील, कतर, रशिया या जर्मनी, जरा समझिएगा। पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2018 वाला कहां पर हुआ है, फिर क्वेश्चन मेरा ये है कि 2022 वाला कहां पर हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मेरा ये है कि 2026 वाला कहां होगा, जरा समझिएगा। 2018 वाला कहां हुआ है, 2022 वाला मैं बता रहा हूं, और 2026 वाला कहां पर होगा। सो मैं आंसर का यहां पर वेट कर रहा हूं। ओके, यहां पर कतर 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 कतर, भाई मेरे क्वेश्चन और है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जरा थीम और प्लीज पोस्ट करिएगा, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसका विषय क्या है, उसका फोकस क्या है, उसकी थीम क्या रही थी। सो मैं आंसर का वेट करूं। यहां पर जर्मनी इज नॉट राइट आंसर, राइट आंसर इज दी कतर गाइस। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 नहीं, जो राइट आंसर है यहां पर वो कतर है, कतर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, सो गाइस आंसर की बात करते हैं वह कतर में आयोजित होगा। बट अगर मैं आंसर की बात करूं एक और क्वेश्चन की, 2026 कहां पर होने जा रहा है, इसका मैं वेट करूंगा आपका वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में ये कहां पर होगा। बट 2018 प्लीज मुझे बता दीजिए, 2018 कहां पर हुआ है, 2018 कहां पर हुआ। जितने भी नए यूजर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूले करंट अफेयर्स लाइव में। वो एक ऐसा सिंगल शो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी याद कराता हूं, और करंट अफेयर्स में याद कराता हूं, पढ़ाता तो हूं बट साथ में याद भी कराता हूं, मैं आपके माइंड में छाप दूंगा एग्जैक्टली न्यूज है क्या, जरा समझिएगा। उस सेशन के साथ जुड़ना ना भूलें, मैं चाहूंगा हर एक स्टूडेंट 7 o'clock हमारे साथ जुड़े, लाइव सेशन में जुड़े, क्योंकि लाइव एक बार जुड़ने के बाद आप हमेशा लाइव ही रहना चाहेंगे। सो मैं आंसर का बात करूं, यहां पर जो आ रहा है वो 2018 जो वर्ल्ड कप है वो भाई हमारे कह सकते हैं रशिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? साइको मीराबाई चानू, हीना सिंधु, संजीव राजपूत या मनु भाकर, जरा समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो गलती कर देते हैं। हु हैज वॉन अ फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सो यहां पर मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। ओके गाइज, मैं यहां पर आंसर का वेट कर रहा हूं। चानू, ओके, मीराबाई चानू, दूसरा क्वेश्चन मेरा आंसर, चलिए डिक्लेयर कर दिया कि मीराबाई चानू हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। सेकंड क्वेश्चन, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सेकंड क्वेश्चन, मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? थर्ड क्वेश्चन, मीराबाई चानू इज फ्रॉम विच स्टेट? दो क्वेश्चन एग्जाम में और आ रहे हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू भाई किस कह सकते किस स्टेट से है? प्लीज 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 जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। सो मैं आंसर का यहां पर वेट कर रहा हूं। मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू दी व्हाट एग्जैक्टली शी इज रिलेटेड टू? मीराबाई चानू स्टिल आंसर अभी तक मणिपुर, ओके, शी इज फ्रॉम दी मणिपुर, चलिए मोहर लगा दी भाई मणिपुर से, कंफर्म आंसर भी आ गया। शी इज रिलेटेड टू दी रेसलिंग, यहां पर रेसलिंग आ रहा भाई, रेसलिंग नहीं, वेट लिफ्टिंग, शी इज अ वेट लिफ्टर, वह वेट लिफ्टर, नॉट अ रेसलर। तो प्लीज फोकस करिए, डब्ल्यू का बड़ा खेल है, रेसलर और वेट लिफ्टर, रेसलर वेट लिफ्टर, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। वह क्या है? एक भारोत्तोलक है जो कह सकते हैं कि वेट उठाती है, वह वेट लिफ्टर है, हमें याद रखना है। और वह किस स्टेट से है? वह मणिपुर से है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, Who was India's flag bearer at the inauguration ceremony of the Commonwealth Games 2018? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ये 18 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या साक्षी मलिक, जरा समझिएगा। साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या साक्षी मलिक, Who was the India's flag bearer at the inaugural ceremony of the Commonwealth Games 2018? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत का कह सकते हैं फ्लैग, मेन क्वेश्चन पे अभी थोड़ा रुक कर चल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, मैं वेट कर रहा हूं। पीवी सिंधु, मैरी कॉम, यार कौन फ्लैग बीरर कौन था? मतलब ओपनिंग सेरेमनी पे क्लोजिंग सेरेमनी, दोनों चीज होती है। कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ओपनिंग पे फ्लैग बीयर, क्लोजिंग पे फ्लैग बीयर, दोनों हमें याद रखना है। ओपनिंग की बात करें तो पीवी सिंधु यहां पर राइट आंसर, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल पीवी सिंधु की बात हम करेंगे। पीवी सिंधु वॉज द इंडियाज फ्लैग बीयर एट द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट दी 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? मतलब कि 22वें कॉमनवेल्थ को गेम्स को 2022 में कौन सा देश आयोजित करेगा? कौन सा देश 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन करेगा? क्वालालंपुर मलेशिया, कहां पर होंगे यूं कहें, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, या बर्गिंगम इंग्लैंड, या वेलिंगटन न्यूजीलैंड? वेलिंगटन न्यूजीलैंड, क्लोजिंग पे अभी मैं आऊंगा, एक क्वेश्चन लास्ट हमारा बचा 40, उस पर भी मैं आऊंगा, बट मैं अभी वेट कर रहा हूं यहां पर ओके आंसर का। ओके गाइज, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मतलब 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहां पर आयोजित होंगे?
इंग्लैंड. ओके सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. बर्मिंघम इंग्लैंड विल बी द वेन्यू ऑफ द 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022. 22 में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन रहेगा वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहेगा. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु वाज इंडियाज फ्लैग वियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा था? साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या साक्षी मलिक? देखिए इंपॉर्टेंट बात करेंगे इस क्वेश्चन को. अगर सेशन पसंद आ रहा है प्लीज एक बार जरा लाइक बटन पे और प्रेस कर दीजिए. हाँ सर मोहर लगा दीजिए कि सर सेशन पसंद आ रहा है. एक एक क्वेश्चन छपता चल रहा है. तो यहां पर मेरे साथ अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो मैं चाहूंगा इतने लाइक तो आने चाहिए. 2003 बच्चे यहां पर देख रहे हैं कि 2003 तो लाइक कम से कम होने चाहिए जब मैं सेशन को एंड अप करूं. तो यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मैरीकॉम. सो गाइस ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. मैरीकॉम वाज द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. एक नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का वेन्यू क्या रहा? मैं लास्ट बस इतना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का वेन्यू क्या रहा था. मैं क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहा हूं. आपके कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का वेन्यू क्या रहा, कहां पर हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018. उसके बाद इस सेशन को मैं एंड अप करूंगा. कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का वेन्यू, क्योंकि देखिए क्लोजिंग सेरेमनी पे मैरी कॉम है, ओपनिंग सेरेमनी पे पीवी सिंधु है. एशियन गेम्स 2018 अभी स्टार्ट होने वाले हैं और एशियन गेम्स 2018 की बात करें उसने ओपनिंग सेरेमनी पे भाई कौन वहां पर है फ्लैग बियरर, ये भी आपको याद रखना है. कोई ना कोई व्यक्ति तो है, कहीं ना कहीं भाला फेंकते हैं. उन व्यक्ति का नाम अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल पाए तो ये मैंने एक अलग से क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट यहां पर अगर मैं आंसर की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट भाई वेन्यू रहा था 2018 का. एक और क्वेश्चन मेरा लास्ट, एशियन गेम्स 2018 में जो अभी स्टार्ट होने वाले इंडोनेशिया के जकार्ता से स्टार्ट हो रहे हैं गाइज, वहां पर भारत का फ्लैग बियरर कौन है? भारत का फ्लैग बियरर कौन है? ओपनिंग सेरेमनी की बात मैं कर रहा हूं. ओपनिंग सेरेमनी लास्ट क्वेश्चन फिर मैं एंड अप करता हूं कि ओपनिंग सेरेमनी पे जो एशियन गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं. ओके अभी तक स्टिल आंसर नहीं आया मेरे को. अगर मेरे भाई बंधु नीरज चोपड़ा बिल्कुल आ गया. जो नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंकते हैं भैया कह सकते हैं, और भाई वही है फ्लैग बियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन गेम्स दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन द इंडोनेशिया, कह सकते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में जो स्टार्ट होने जा रहे हैं. आई होप सो, मुझे लगता है 2000 प्लस स्टूडेंट आए थे, आप सभी को सेशन पसंद आया होगा. इसी प्रकार मेरे साथ जुड़ते रहिए, जल्द ही मैं आपको गाइज और भी बेहतरीन चीज आपके साथ प्रोवाइड करूंगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. मैं आपके कमेंट का तो वेट करूंगा. एक बार का लाइक मत करिए बट कमेंट जरूर करिएगा. मुझे बताइएगा सर कितना आपको बेनिफिट हुआ और आप क्या चाहते हैं, और शेयर करना ना भूलें. जितने भी न्यू यहां पर स्टूडेंट अभी देख रहे हैं मैं चाहूंगा मैक्सिमम इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फ्री में लाभ उठा सके. सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.